किसान भाइयों, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपकी फसल को स्वस्थ हरी भरी रखे और स्प्रे के रूप में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकें और उसके साथ साथ आप बीज उपचार में भी उसका इस्तेमाल कर सकें तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी के एक नए प्रोडक्ट वैम गोल्ड डी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, वैम गोल्ड डी क्या काम करती है, कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं, कितनी मात्रा आपको लेनी है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड के एक नए प्रोडक्ट वैम गोल्ड डी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों के लिए जो कि सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है मार्केट के अंदर। अभी तक प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर भी अब तक प्रोडक्ट आया नहीं है, कुछ दिनों में आपको मार्केट के अंदर मिलने लग जाएगा। तो अगर हम बात करें किसान भाइयों की ये क्या है, मैं आपको बता दूँ किसान भाइयों, ये एक जो वैम नामक फंगस होती है जो हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो हमारी ज़मीन के अंदर से जितने पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों को घोलकर पौधे के लिए उपयुक्त बनाता है। यानी कि मतलब ये है कहने का कि जितने हमारी ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है वो इनएक्टिव होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो ये जो फंगस होती है इसके अंदर वैम, तो ये उनको एक्टिव करने का काम करती है, उस पोषक तत्वों को उन पौधों तक पहुंचाने का काम करती है। और जब वो पोषक तत्व हमारे पौधों को तक पौधे की जड़ों तक पहुंचेंगे तो उनकी जो रेशेदार जड़ें होती है वो बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा रेशेदार जड़ें बढ़ेगी उतने ज़्यादा हमारा पौधा भोजन ग्रहण करेगा, उतने ज़्यादा हमारा पौधा पोषक तत्व ग्रहण करेगा और इस वजह से हमारी जो फसल का पौधा होता है वो हमको मिलेगा एक बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत आधार देता है। वैम गोल्ड डी के बारे में अगर हम बात करें किसान भाई इसके फायदों की, जो मैंने आपको बताया पौधों को पोषक तत्व प्रदान करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं तो हमको मिलती है एक मजबूत और स्वस्थ फसल जिससे कि हमारे किसान के उत्पादन में वृद्धि होती है। बात करें किसान भाई कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वैम गोल्ड डी का इस्तेमाल लगभग हर फसल के अंदर कर सकते हैं, फिर चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हो, फिर वह चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, फिर चाहे वो दलहनीय फसलें हो, फिर चाहे वो बागवानी फसलें हो, तो हर फसल के अंदर आप वैम गोल्ड डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, इसकी डोज की, अगर आप मिट्टी के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी उर्वरक के साथ मिला के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला के या किसी खाद वगैरह में जैसे कि यूरिया या डीएपी के साथ मिला के आप अपने खेत के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 125 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों ड्रिप विधि से, यानी कि स्प्रे के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 125 ग्राम ही आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेझिझक आपकी फसलों के अंदर बहुत ही अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों सावधानी आपको ये रखनी है कि माइकोराजा के अंदर क्या होता है, ये भी एक जिंदा फंगस होती है जो कि हमको सिर्फ इसको फंगीसाइड से दूर रखना है। यानी कि कहने का मतलब है कोई किसी भी फंगीसाइड प्रोडक्ट के साथ में मिला के आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया है किसान भाइयों इसकी डोज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप मिट्टी के साथ में मिला के 125 ग्राम या किसी फर्टिलाइज़र के साथ में मिला के 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ड्रिप विधि से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी। और वैम गोल्ड डी के बारे में एक खास बात और आपको बता दें किसान भाइयों, आप इसके साथ में बीज उपचार भी कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि कोई भी फसल का आप बिजाई कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज के साथ में इसका आप 10 ग्राम और 10 ml पानी में अच्छी तरह से घोल करके उसका मिश्रण करके तो उसके साथ में आप बीज के साथ में इसको मिला दीजिए तो बीज उपचार भी आप लोग इससे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी बीज उपचार इसके साथ में बीज उपचार करके आप फसल की बिजाई करेंगे तो उसकी जर्मिनेशन आप देखेंगे बहुत ही अच्छी होगी, बिल्कुल हरी भरी होगी, वो क्या होगा कि वो उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, कीटों से लड़ने की उसकी क्षमता बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो ये खूबियाँ है किसान भाइयों वैम गोल्ड डी की,
तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी जानकारी वैम गोल्ड डे के बारे में। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।